तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका छोटा भाई भी बिल्कुल ठीक है। आज भी सुबह के बजे हैं 9:30 और 9 बजे मैं अभी जाऊंगा स्नान करने के लिए। और आज हुई थी तेज वर्षा रात में, जिसके वजह से नदी पर आई है बहुत तेज बाढ़, जो कि मैं आज आपको इसी ब्लॉग पे दिखाने वाला हूँ। सो फाइनली गाइस, आज हमारे इस ब्लॉग पर बने रहे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा वेर में नदी पर बाढ़ आया हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, ये है भैरवी नदी, जो कि रजरप्पा मंदिर के ठीक बगल पर स्थित है। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष वर्षा आने के कारण यहाँ का जल स्तर बढ़ जाता है और इस रास्ते का आवागमन बंद हो जाता है। और दोस्तों, यात्रीगण क्या करते हैं कि अपने जान की नापरवाह कर इस रास्ते से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से प्रत्येक वर्ष बहुत सारे व्यक्तियों की मौत हो जाती है। सो गाइस, जब भी कभी आप माँ छिन्नमस्तिके मंदिर आएंगे तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इस नदी से और इस पुल से इतनी पानी रहने के बाद क्रॉस करने का कभी भी रिस्क ना लें, अन्यथा आपकी जान जा सकती है। सो गाइस, रजरप्पा मंदिर पर यह पहली बाढ़ है भैरवी नदी का, अभी दामोदर पर बाढ़ नहीं आई है। सो फाइनली हमारे ब्लॉग पर बने रहे। गाइस, दोपहर 2 से 3 बजे मैं फिर से आपको लेकर आ गया हूँ उसी जगह पर जहाँ पर मैं नहाया था, और उस जगह पर कितना ज़्यादा बाढ़ था और कितनी पानी थी, ये सारा कुछ मैंने आपको दिखाया था। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना कुछ कम हुआ है और कैसा अभी माहौल है। तो गाइस, फाइनली अभी आप देख सकते हैं कि ये रास्ते हैं, और इस रास्ते में अब बहुत ज़्यादा पानी चल रहा था उस टाइम, और अभी बिल्कुल कम हो गया है पानी। और अभी आप देख सकते हैं पुल से थोड़ा सा जस्ट नीचे बह रहा है पानी। और ये रहा दुकान, फिलहाल देख सकते हैं ये सारा कुछ बह जाता है, पानी का थोड़ा तेज़ बहाव और तेज़ गति से आती है। तो ये पहला बारिश था। तो गाइस, मैं अभी ठीक स्कूल के पास पहुंच गया हूं और वहां से आकर अभी मैं वीडियो बना रहा हूं। फिलहाल अभी देख सकते हैं पानी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो जा रहा है, लगता है 1 से 2 घंटा के बीच में बिल्कुल कम हो जाएगी और ये रास्ता पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। अभी और देख सकते हैं जो कि अभी देवघर से लौट के आ रहे हैं, वही सारे लोग उधर आकर अभी स्नान कर रहे हैं। और अभी तेज़ वर्षा के कारण बहुत सारे बम लोग भी होते हैं जो कि बीच पानी में आते हैं तो बह जाते हैं, बट इस वर्ष ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। और ऐसा नहीं मिला है इसलिए क्योंकि ये पहली बारिश है इस वर्ष का, इस वजह से भी देखने को नहीं मिला है। तो गाइस, फाइनली हमारे ब्लॉग पर बने रहें और इस तरह का हमेशा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कभी आपका भाई इस तरह का वीडियो अपलोड करे तो आप तक नोटिफिकेशन